क्योंकि सेनेट के इंतखाबात का मामला भी है। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे दें, बलूचिस्तान से सेनेट की 3 जनरल नशस्तों पर इंतखाबात के नतायज जारी हो गए हैं और पीपी के मीर अब्दुल कुद्दूस बिजनजो 23 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। मंजूर अहमद से मजीद जान लेते हैं जो मद्दे मुकाबिल थे उनके कितने वोट हैं। तो मंजूर ज़रा बताइए हमें ओवरऑल कि आपके पास इस नतायज के हवाले से अपडेट्स हैं। जी सदफ, बलूचिस्तान से सेनेट की 3 खाली नशस्तें पर जो है वो इंतखाबात हुए और इन तीनों पर जो है नतायज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी की मीर अब्दुल कुद्दूस बिजनजो 23 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तैन डोमकी 17 वोट और जमीयत उलमा इस्लाम की अब्दुल शकूर हिबेजे जो है वो 16 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुबीन खिलजी को 6 वोट मिले हैं, वो कामयाब नहीं हो सके। इस तरह आज सुबह से पोलिंग का अमल शुरू हुआ जो कि 4 बजे तक जारी रहा। उसके बाद कुल तकरीबन 62 जो अरकान है उनमें से 61 ने अपना वोट कास्ट किया। तमाम वोट जो है वो दुरुस्त करार दिए गए। एक मीर असद गलोच ने अपना वोट कास्ट नहीं किया बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के, उन्होंने बाइकाट किया। इस तरह ये इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। 3 सेनेट की नशस्तें जो हैं वो खाली हुई थी बलूचिस्तान से, जो 3 उम्मीदवार कामयाब हुए थे जनरल इलेक्शन में उसकी वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।